हाँ इमरान सर, ये मकदूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके मुताबिक किसी ने थोड़े फासले से 32 बोर के पिस्तौल से उन पर फायर किए और एक साथ 3 गोलियां लगने से उनकी मौत वाकया हुई। ऐसा कौन हो सकता है जिसने मकतूल पर इतनी करीब से गोलियां चलाई और मकतूल ने मुजामत तक नहीं की? और हाँ सर, एक बात और, कत्ल से कबल मकतूल को किसी ने नशे वाली चीज़ खिलाई थी जिसकी वजह से वो मदहोश हो गया था। ओह वेरी सैड। अब आप लोग बताओ कि इस कत्ल के पीछे कौन हो सकते हैं? सर मेरे ख्याल से मकतूल को कारोबारी रकाबत की वजह से कत्ल किया गया है। सर ये भी तो हो सकता है कि इस कत्ल में उसका भाई या बहन मुलव्वस हो। नो सर, सर मेरा ख्याल है कि इस कत्ल में मकतूल की बीवी या उसका कोई करीबी शख्स शामिल हो सकता है। वेल डन, तुम सब अपने अपने अंदाजे के मुताबिक इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर नजर रखो। कातिल कोई भी हो, कानून के लंबे हाथों से ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएगा। एक न एक दिन उसे कानून के हाथों लगना ही है। और हाँ, कल हम मकतूल के घर जाएंगे उसके घर वालों से मिलने।